हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोड्यूस टू अकाउंटेंसी 11th क्लास का, उसमें जो एक टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जैसे आपने एक जो है एक तरीके से ट्री देखा होगा, एक पेड़ देखा होगा, पेड़ जो है एक तरीके से स्टार्टिंग में जो है एक तरीके से बढ़ता जब जाता है पेड़, ठीक है, तो उसके बाद जो है बढ़ने के बाद उसकी जो है अलग अलग वे में जो है उसकी ब्रांचेस जो है निकलने लगती है। तो इसी तरीके से जो है आपकी जो अकाउंटिंग है उसकी भी जो है एक तरीके से कई ब्रांचेस होती है। ठीक है, उसको भी जो है कई ब्रांच में जो है क्लासिफाई किया गया है उसका। ठीक है, तो एक बार उसकी ब्रांचेस देख लेते हैं या फिर उसके जो है टाइप्स कौन कौन से अकाउंटिंग का वो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट ब्रांच है या फर्स्ट टाइप है अकाउंटिंग का, वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इस अकाउंटिंग में, यानी कि जो एक तरीके से जो ये ब्रांच है, इसमें मेनली क्या करते हैं, क्या किया जाता है इसमें, इसमें जो है एक तरीके से हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल जो पोजिशन है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये जो आपकी 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है, ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट टाइप है वो ही आप रीड करोगे +1 में। ठीक है, +2 में भी आप वही रीड करोगे। ओके, उसके बाद जो है एक तरीके से, तो मैं ये बता रहा था आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक तरीके से उसमें यही मेनली कैलकुलेट किया जाता है जो कि आपका बिजनेस है उसमें कितना जो है प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, और आपके बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल पोजिशन है। और ये किसके थ्रू पता लगाया जाता है, ये जो है एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, फीचर्स में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के बाद जो है एक तरीके से समराइजिंग का पॉइंट आता था। ठीक है, तो समराइजिंग में हम लोग क्या करते थे, मेनली जो है एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ही कैलकुलेट करते थे। और वो किसकी हेल्प से करते थे, वो करते थे हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बना के जो है एक तरीके से हम फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें जो है एक बिजनेस के P&L को फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है एक तरीके से आपकी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कॉस्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो ब्रांच है उसमें क्या किया जाता है, क्या वर्क किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो है एक तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है वे में लगा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप अपने बिजनेस में ये जानना चाहोगे कि जो प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ओके, समझ में आ रही है बात। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांचेस में कॉस्ट का पता लगाया जाता है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है ना वो टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, उसके बारे में जो है एक तरीके से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांचेस में ये वर्क किया जाता है। ओके, यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वगैरह आती है उसके बारे में हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस की जाए। ठीक है, कॉस्ट जो अगर इंक्रीज हुई है किसी प्रोडक्ट की तो किस किस रीजन से हुई है। ठीक है, उन सब चीज़ों को जो है पता लगाने के लिए जो है ये वर्क किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, द नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है एक तरीके से ये जो ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये स्पेशल मैनेजमेंट के लिए होती है। ठीक है, अब सुनिए, आपके बिजनेस को जो है एक तरीके से जो रन करता है स्मूथली एफिशिएंसी वे में वो कौन करता है, वो मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो करती है अपना जो बिजनेस, यानी कि जो आपका बिजनेस जो है रन करती है स्मूथली ऑपरेट करती है, उसके लिए ना उसको कुछ डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको पॉलिसीज प्रिपेयर करनी होती है, उनको प्लानिंग प्रिपेयर करनी होती है, प्लानिंग बनानी होती है। ठीक है, और ये सब लोग जो है, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है, ये प्लानिंग, डिसीजन, ठीक है, पॉलिसीज प्रिपेयर करना, ये सारा वर्क किस बेस पे करती है, ये अकाउंटिंग बेस पे ही करती है। तो यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें जो है एक तरीके से पॉलिसी प्रिपेयर करने का, प्लानिंग बनाने का और जो डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, उसका वर्क किया जाता है। ओके, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्क किया जाता है डिसीजन लेने का या फिर जो है एक तरीके से पॉलिसीज और प्लानिंग बनाने का। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, देखिए जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना हमारा, वो एक तरीके से अकाउंटिंग की ब्रांचेज है। ठीक है, एक बिजनेस अपनी इनकम पे,
जो भी एक बिजनेस है वो भी अपने जो एक तरीके से जो इनकम अर्न करेगा, ठीक है, या अपनी जो उसकी सेल्स होगी तो उस पर जो है उसको एक पर्टिकुलर वे में टैक्स देना पड़ता है, पर्टिकुलर रेट से। ओके, तो जो टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स कितना बना, कितना नहीं बना, पहले कितना था, ठीक है, अब कितना है। ओके, तो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीज़ों का जो है एक तरीके से आपकी टैक्स अकाउंटिंग ब्रांच में जो है पता लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि आप जो है एक तरीके से आपने जो इनकम अर्न की है उस इनकम पे कितना टैक्स आप पे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उन वर्क का जो है एक तरीके से टैक्स अकाउंटिंग ब्रांच में जो है वो वर्क किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी एक ब्रांच है जो कि आपके सोशल से रिलेटेड होती है। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि जो सोशल है ना और जो आपका बिजनेस है वो एक दूसरे के एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के जो मतलब अलग नहीं कर सकते आप लोग। जैसे आपने एक तरीके से एक कॉइन देखा होगा, ठीक है, हेड एंड टेल, तो आप लोग उसको अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आप लोग जो है सोशल और बिजनेस को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एस्पेक्ट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसमें जो है किस तरीके का वर्क किया जाता है, देखिए, एक सोशल ये चाहता है कि जो बिजनेस है ना उसकी उसको जो है एक तरीके जो बिजनेस है उसको, यानी कि सोशल में जो लोग रहते हैं, ठीक है, समाज में जो लोग रहते हैं उनको सही वे में जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए, ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना करें, ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, तो इस तरीके की जो एक तरीके से वर्किंग की जाती है, ठीक है, यानी कि जिस जो बिजनेस है जिस जहाँ पर सेटअप है जिस लोकेशन पे सेटअप है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट वो पॉल्यूट ना करे, ठीक है, वहाँ के लोगों को जो है एक तरीके से सोशल के लोगों को जो है एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए, तो ये सारी वर्किंग जो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखी जाती है, की जाती है, ठीक है। एक बिजनेस की जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल के लिए, ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो वर्किंग की जाती है वो अकाउंटिंग की जाती है, जो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में की जाती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ये टॉपिक था हमारा टाइप और सब फील्ड जो है आप ये कर लेना, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, सभी के अपने अपने वर्क होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था एक है ना फीचर्स में, अकाउंटिंग जो फीचर्स आई थी उसमें लास्ट पॉइंट आया था हमारा कम्युनिकेटिंग का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेरियस पार्टीज़ और या फिर यूजर्स को बतानी होती है। अब ये यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ये यूजर्स वो हैं जो कि आपके बिजनेस में अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उन लोगों को अपने बिजनेस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल करवाते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो यूजर्स हैं वो किस तरीके के यूजर्स होते हैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए, यूजर्स जो है ना वो टू यानी कि टू वे में जो है यूजर्स है, टू टाइप के यूजर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटरनल पहले रीड कर लेते हैं कि इंटरनल यूजर्स जो है एक तरीके से आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, इंटरनल यूजर्स, ठीक है, जो आपके बिजनेस में रहते हैं वो इंटरनल यूजर्स है और जो आपके बिजनेस से बाहर हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल यूजर्स हैं उसमें कौन कौन सा किन किन लोगों को हम जो है एक तरीके से इंक्लूड करते हैं, तो जो सबसे पहला आपका आता है इंटरनल यूजर्स में वो आता है आपका ओनर, ठीक है। ओनर्स जो है एक तरीके से क्या करता है, देखो ओनर्स की जो वर्किंग है वो क्या है, ओनर्स जो है एक तरीके से अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है। कैपिटल क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जो है आज के टाइम में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना कैपिटल के आप लोग जो है रन कर सको, स्टार्ट कर सको। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंटरनल यूज़र है वो ओनर्स है, ठीक है। एक बिजनेस में ओनर्स अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जिसके बाद जो है वो क्या करता है, क्या जानना चाहता है, वो ये फाइंड आउट करना चाहता है कि जो मैंने कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है उस पे मेरे को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है उस कैपिटल पे, ये जो है वो ओनर्स ओनर जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी कि बिजनेस कोई भी हो, हर बिजनेस के जो ओनर होते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस में वो
उस कैपिटल पे जो है एक तरीके से कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको, कितना लॉस हो रहा है, इसके साथ साथ वो लोग जो है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो पुअर कैटेगरी में है या फिर जो है एक तरीके से रिच कैटेगरी में है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन उनकी स्ट्रोंग है या फिर वीक है, ठीक है। तो ओनर्स भी जो है एक तरीके से इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्टेड पार्टी है आपकी, इंटरनल जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो ओनर है। तो ओनर ने क्यों इंटरेस्ट रखा अपना, आपने जो है मैंने आपको बता दिया, वो इसलिए रखा क्योंकि ओनर जो है ना एक तरीके से वो यही जानना चाहता है कि उसकी कैपिटल पे जो है कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, और उसका बिजनेस जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। द नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, मैनेजमेंट जो है एक तरीके से मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आपके बिजनेस को स्मूथली रन करना, ऑपरेट करना, ठीक है, एफिशिएंसी वे में वर्क करना आपके बिजनेस में, ओके। इसके साथ साथ जो है एक तरीके से उनको और भी वर्किंग करनी होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग का काम सबसे बड़ा होता है बिजनेस में, ठीक है, पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं वो आपके बिजनेस के लिए, प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ऐसे वर्क होते हैं जो मैनेजमेंट को करने होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें यानी कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो है अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैनेजमेंट जो है एक तरीके से आपके बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग का काम करने के लिए जो है एक तरीके से आपके बिजनेस में वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, यानी कि उस उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो वो यही है कि एक तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग का और प्लानिंग का काम करना होता है, तो जिसकी वजह से वो आपके बिजनेस में पर्सनली इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर मैं इंटरनल यूज़र की बात करूँ तो नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। देखिए आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, जो वर्कर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनको आप लोग क्या देते हो, सैलरी देते हो, बोनस देते हो, ठीक है ना, रेमुनरेशन भी दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा जिसको आप बोलते हो, एक्स्ट्रा पे करते हो, कमीशन भी दिया जाता है, फीस भी दी देते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स वो ये जानना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में वो वर्क कर रहे हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, ताकि वो आगे डिमांड कर सके कि उनके प्रॉफिट को जो, यानी कि उनकी जो सैलरी वगैरह है, कमीशन वगैरह है, उनकी उनको जो है एक तरीके से इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है, यानी कि आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्कर है वो इसी बात से अपना इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको जो है जिस बिजनेस में वो वर्क कर रहे हैं उस बिजनेस में उनको सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह एक अच्छे स्केल से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये थे आपके इंटरनल यूजर, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल जो यूज़र हैं, यूज़र्स हमारे, उसमें सबसे पहला आता है आपका बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या करते हैं वो एक बार सुनिएगा। देखिए जो बैंक है और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपके बिजनेस को जब लोन प्रोवाइड करवाती है तो वो लोन देते टाइम जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसके बारे में फाइंड आउट करना चाहती है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो क्या देखना चाहती है, किस बात का पता लगाना चाहती है, वो इस बात का पता लगाना चाहती है कि जब आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने आपको दिया गया है वो वापस आएगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको रेगुलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका एक बैंक वगैरह, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपके बिजनेस में इसलिए जो है इंडिविजुअली जो है आपकी इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जो मनी हमने बिजनेस को प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, वो मनी सेफ है या नहीं, मतलब वापस आएगी या नहीं आएगी, साथ साथ उस पे इंटरेस्ट रेगुलर हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है पता लगाने के लिए बैंक्स वगैरह और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपके जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन बेकार है, वीक है, तो आपको जो है एक तरीके से बैंक जल्दी से लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स जिसको बोला जाता है, सप्लायर्स,
ठीक है। सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स आपके कौन होते हैं जो आपके बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल वगैरह गुड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, देखिए जो सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि यार जिन जिस बिजनेस को हम लोग जो है गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, वो जो है एक तरीके से हमारी पेमेंट सही टाइम पे करेगा या नहीं करेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, कई कई क्या होता है आपने देखा होगा, जो है एक तरीके से गुड्स तो आपको दे जाते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, और जो है मनी बाद में लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स जो है एक तरीके से आपके बिजनेस में इसीलिए अपना इंटरेस्ट रखते हैं इंडिविजुअली, ताकि आप लोग जो है उनकी पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, तो इसी चीज़ को देखने के लिए क्रेडिटर्स भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? देखिए आपके बिजनेस में ओनर तो कैपिटल लगाता ही लगाता है, अच्छी बात है, लेकिन ओनर के अलावा भी जो है बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स का मतलब जो ओनर के अलावा भी जो है एक तरीके से कैपिट जो मनी इन्वेस्ट करता करना चाहता है आपके बिजनेस में, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं एक तरीके से आपके बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में हमने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है ना, यानी कि अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वो मनी हमारी सेफ है या नहीं है, इसके साथ साथ उस पर रेगुलर हमारी अर्निंग होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आपने ना जो है एक तरीके से रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी के आपने शेयर परचेज किए, उसमें आपने मनी इन्वेस्ट कर दी। ओके, मनी इन्वेस्ट कर दी, तो आप मनी इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये देखोगे कि यार ये जो है मनी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये फ्यूचर में सेफ होगी भी या नहीं होगी। ओके, और इसके साथ साथ मेरे को जो है एक तरीके से ईयरली एनुअल जो अर्निंग होगी वो होगी या नहीं होगी, तो ये सब चीज़ आप देखना चाहोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो है पर्सनली इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि जो वो मनी सेफ कर रहे हैं वो सेफ है, मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, ठीक है, उनकी रेगुलर अर्निंग होगी या नहीं होगी, तो ये देखने के लिए इन्वेस्टर्स भी जो है इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में। द नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक तरीके से क्यों इंटरेस्टेड होती है? देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, अपने जो है एक इकोनॉमी के लिए जो है पॉलिसीज प्रिपेयर वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है, प्लानिंग भी करनी होती है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से आपके बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होती है? आपके बिजनेस आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, यानी कि जितनी भी हमारे कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रोंग बनाते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजिशन को ही देख के जो है अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है एक तरीके से प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है पर्सनली इंटरेस्टेड होती है आपके बिजनेस में। ठीक है, वो ये भी देखना चाहती है कि यार कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो हमारे अगेंस्ट चल रहा हो, जो कस्टमर को जो एक तरीके से उसका एक्सप्लोटेशन कर रहा हो, उसको प्रॉब्लम पहुंचा रहा हो। ठीक है, जो एक तरीके से इस तरीके की जो वर्किंग है वो भी गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, कि कोई बिजनेस जो है फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं कर रहा, ठीक है, कस्टमर्स से गलत बिहेव तो नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए भी जो है गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट टैक्स अथॉरिटीज़। तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो किस लिए? देखिए टैक्स डिपार्टमेंट को तो जो है ना पैसा चाहिए। ठीक है, एक बिजनेस जो अपनी सेल करेगा, अर्निंग करेगा, जो भी उसकी इनकम होगी उस पर जो है सही तरीके से टैक्स दे दो, ठीक है, जब तो है ठीक, अदरवाइज जो है आपके जो अगेंस्ट है वो फिर जो है एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, टैक्स टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, वो ये देखना चाहती है कि आपके बिजनेस आपका बिजनेस जो रेगुलर इनकम अर्न कर रहा है, आप उस पर अपनी टैक्स की जो है एक तरीके से टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर टैक्स डिपॉजिट नहीं करते तो जो है एक तरीके से आपके लिए एक्शन वाली बात हो जाती है। ठीक है, फिर आपके जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है आप पे पेनल्टी वगैरह लगाती है, तो इसी वजह से जो है टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखने के लिए वो करती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक। तो जो पब्लिक है वो इंटरेस्टेड क्यों होती है? ठीक है, देखिए पब्लिक ये जानती है, पब्लिक ये जो है जानना चाहती है कि हमारी लोकेशन पे जो बिजनेस सेटअप है, ठीक है, वो हमें कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, हमारे आसपास के जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट तो नहीं कर रहा,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए भी जो एक तरीके से पब्लिक है वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आपका टाइप ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और इसके साथ साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं आपके बिजनेस में, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो कल रीड करेंगे, दैट इज़ बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग भी है हमारा, अकाउंटिंग भी है हमारा और अकाउंटेंसी भी है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हैं, ये हम कल की क्लास में रीड करेंगे। ओके।